तो आज का हमारा वीडियो है गूगल टीवी यूआई को एंड्रॉइड टीवी में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल टीवी का यूआई है, उसको जो एंड्रॉइड टीवी का यूआई है उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो जो आप आसानी से ओल्ड इंटरफेस है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड इंटरफेस है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएंगे और जो न्यू इंटरफेस है वो बेस्ट नहीं है और आपकी टीवी की स्पीड भी स्लो हो गई है गूगल यूआई से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग ओपन करना है, फिर यहाँ पर आपको ऐप वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जो ऐप वाला ऑप्शन है उस पर आपको ओके करना है। तो इसमें आपको सिंपली जो अपडेट है उसको आपको अनइंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपको सी ऑल ऐप में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सो सिस्टम ऐप में यहाँ पर आपको ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड टीवी होम होगा उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा एंड्रॉयड टीवी होम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड टीवी होम, तो इसको आपको सिंपली ओपन करना है और जो इसका अपडेट है उसको आपको अनइंस्टॉल करना है। तो जो आपका ओल्ड इंटरफेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको फिर से जो गूगल टीवी का यूआई करना है तो उसके लिए मैं लास्ट में बताऊँगा आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल पर ओके कर देना है तो आपका जो अपडेट है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और जो आपका ओल्ड इंटरफेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये सभी एंड्रॉयड टीवी में ये ट्रिक वर्क करती है, तो आप सभी में ये यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओल्ड जो इंटरफेस है वो यहाँ पर ओपन हो गया है, थोड़ी देर वेट करना है यहाँ पर लोडिंग होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर जो नॉर्मली हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो और ये सबसे बेस्ट यूआई है। आपको कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर नीचे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो सबसे फर्स्ट में ही आ जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बार सेटिंग में जाना है और जो ऑटो अपडेट है उसको आपको ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे सेटिंग में जाना है और यहाँ पर जो ऑटो अपडेट ऐप है उसको यहाँ पर आपको ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर आपको ओके करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट ऑटो अपडेट, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑटोमेटिकली ऐप अपडेट होता है वो अपडेट नहीं होगा, तो जो आपका ओल्ड इंटरफेस है वही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको एक बेस्ट लॉन्चर के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप लॉन्चर और सबसे बेस्ट यूआई है ऐप लॉन्चर का और उसको डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉन्चर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉन्चर यहाँ पर आ गया है और इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। सबसे बेस्ट यूआई है इसमें, तो आप ये भी ऐप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉन्चर यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है और इसको डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है और फिर यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो गया है ऐप लॉन्चर और एंड्रॉयड टीवी में बेस्ट लॉन्चर है ऐप लॉन्चर, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और जो आपका ओल्ड इंटरफेस है वो आपको बेस्ट लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशन फ्रंट में मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना हो तो आप इजीली यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर वॉलपेपर के ऑप्शन हैं, यहाँ पर आपको ग्रेडेड मिल जाएंगे तो आप यहाँ पर कई सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो ये बेस्ट है, यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएगी, जो टीवी की सेटिंग है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और इसको डिफॉल्ट सेट करना है तो उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल की लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो पढ़ के यहाँ पर आपको इसको डिफॉल्ट सेट कर देना। और ये सबसे बेस्ट लॉन्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एंड्रॉयड टीवी में वर्क करेगा। और यहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर आपको कोई शो नहीं होगा और यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन जो इजीली यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। और आपको फिर से जो गूगल टीवी का यूआई लाना है अपनी टीवी में तो कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये ओल्ड एंड्रॉयड टीवी का जो यूआई है वही है, और उसको गूगल टीवी में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में बता देता हूँ पहले। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड इंटरफेस है, तो आपको जो गूगल टीवी का जो ये न्यू इंटरफेस है वो करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपडेट करना है एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है उस पर आपको ओके करना है, फिर यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है मैनेज ऐप एंड गेम में, फिर आपको यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन में जाना है और जो एंड्रॉयड टीवी होम है उसको आपको अपडेट करना है। तो जो आपका गूगल टीवी का यू है वो फिर से आ जाएगा। मुझे तो सबसे बेस्ट जो ओल्ड एंड्रॉयड टीवी का यू है वही लगता है, तो आप वही यूज़ कीजिए, वो बेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट हो रहा है, तो जैसे ही यहाँ पर अपडेट होगा तो गूगल टीवी का यू है आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।